कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको उसके पीछे चोर लगा देना चाहिए। किंतु ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के मध्य एक परस्पर और सम्मान वाली बात होती है। पर कौन सी बात को ये कहानी स्पष्ट करती है? हर कोई सोचता था कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। वह लगभग 50 की आयु का था और अनमैरिड था। वह घरेलू नौकरानी के घर रहा करता था जो उसकी सेहत के बारे में चिंता करती थी। आंटी जी, मैं आपके घर में रहता हूँ और आप मेरा कितना ध्यान रखती हो, थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं तंदुरुस्त और खुश हूँ, पर कभी कभी गर्मियों में मुझे हे फीवर हो जाता है, मतलब धूल से मेरे नाक और गले में खराश होने लगती है। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। बस तुम अपने ताला बनाने के बिजनेस पर ध्यान दो। देखो तुम कितने अच्छे हो इस काम में, तुमने दो हेल्पर भी रख ली हैं। तुम एक बहुत ही अच्छे और सम्मानित इंसान हो, ये लो। हाँ, मैं एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति हूँ, पर मैं पूरी तरह ईमानदार नहीं हूँ। 15 साल पहले मैंने एक जेल लाइब्रेरी में अपनी पहली और एकमात्र जेल काटी थी, क्योंकि मुझे प्यार है इन महंगी किताबों से। मैं हर साल एक तिजोरी लूटता हूँ और जिसकी प्लानिंग मैं पहले ही शुरू कर देता हूँ, ताकि 12 महीने तक मेरा काम चल जाए। और एक सीक्रेट एजेंट भी है जो मुझे कुछ किताबें दे देता है। जुलाई की चमकती धूप में मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस वर्ष की डकैती उतनी ही सफल होगी जितनी अन्य सभी रही हैं। दो सप्ताह से मैं इस फार्म हाउस का अध्ययन कर रहा हूँ। मैं कमरों का भी अध्ययन कर चुका हूँ अच्छे से। इस मकान की बिजली की तारों का रास्ता यही होगा और बाग को भी मैं अच्छे से जान चुका हूँ। इस घर की तिजोरी में लगभग 15,000 पौंड की कीमत के गहने हैं। एक एक करके भी बेचूंगा तब भी 5,000 पौंड कहीं नहीं गए। एक साल में 5,000 पौंड, मजा आ गया। और बाकी बचे पैसों से 3 इंटरेस्टिंग किताबें भी ले लूंगा जो पतझड़ के मौसम में आ रही है बिकने के लिए। दोनों नौकर फिल्म देखने चले गए हैं और इसके मालिक लंदन रहते हैं। हा। मुझे बाग वाली दीवार से जाना चाहिए। कुत्ते को शांत रखने के लिए उनका नाम ठीक से लो और उन्हें थोड़ा प्यार दिखाओ, अपने आप शांत हो जाते हैं। क्यों ना मैं बुक्स की बजाय ये पेंटिंग इकट्ठी करना शुरू कर दूं तो? अरे नहीं, ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। एक छोटे से मकान में पुस्तकें ही बेहतर रहेंगी। अपना काम शुरू करता हूँ।
तिजोरी को खोलना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सारा जीवन मैंने तालों और तिजोरी में ही बिताया है। ये अलार्म कितनी घटिया क्वालिटी का है, इसकी तारे कट कर देता हूँ। लोग कितने मूर्ख बन जाते हैं जब उनके पास कीमती चीजें होती हैं। पत्रिका के मुताबिक तिजोरी सी पेंटिंग के पीछे होनी चाहिए। मुझे क्या हुआ है? कोल्ड या हे फीवर? हे फीवर। पता है तुम उसे एक स्पेशल इलाज से ठीक कर सकते हो। अब तुम ये पता लगा लो कि वो कौन सा पौधा है जो तुम्हें बीमार करता है। वैसे मेरी माँ तो तुम डॉक्टर से मिलो, अभी तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो और मैंने तुम्हारी आवाज घर के सबसे ऊपरी छत से सुनी। कोई भी सोचेगा कि मैं एक महीने से बाहर थी, लेकिन मैं फिर भी सही समय पर लौट आई। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मुलाकात एक चोर से होगी। ये स्माइल कर रही है, शायद मैं बच सकता हूँ अगर मैं इसे सही ढंग से व्यवहार करूँ तो। मुझे आशा नहीं थी मेरी मुलाकात परिवार के किसी सदस्य से हो जाएगी। मैं देख सकती हूँ मुझसे मिलकर तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही। आगे क्या करने का विचार? पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। Of course, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन फिर मैं पुलिस को बुला देती और उन्हें कॉल करके तुम्हारा सर सच बता और वो तुम्हें पकड़ कर ले जाते। मैं उस फोन की तारे कट कर देता और फिर तो मुझे घायल करोगे? नहीं, मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था। मैं तो तुमसे नहीं डरूं। यह ठीक रहेगा आप मुझे भूल जाइए कि आपने मुझे कभी देखा ही नहीं। मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैं ऐसा क्यों करूं? तुम मुझे लूटने वाले थे। अरे मैंने तुम्हें जाने दिया, तुम आगे किसी और को लूटोगे। और तुम्हारे जैसे लोगों से समाज को बचा कर रखना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो लोगों और समाज को डराता फिरता हूँ। मैं तो बस उन्हीं घर चोरी करता हूँ जिनके घर ढेरों पैसे हैं, और मैं चोरी अच्छे काम के लिए करता हूँ। मैं जेल जाने से नफरत करता हूँ। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, और ये बातें मैं दिल से कह रहा हूँ। तो तुम जेल जाने से डरते हो, है कि नहीं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। हाँ क्यों नहीं, मगर उससे पहले तुम्हें तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब जो कहेंगी मैं वो काम करूंगा। लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि सारे गहने बैंक में जमा करा दूंगी, लेकिन मैं इन्हें यहाँ तिजोरी में रखकर भूल गई। आज मैंने पहनकर पार्टी में जाने वाली, इसलिए यहाँ चली आई। लेकिन लेकिन आप तिजोरी का नंबर भूल गए है ना? हाँ। ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको आपके गहने एक घंटे में दे दूंगा। पर इसके लिए मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी होगी। उसकी चिंता तो मत करो, मेरे पति एक महीने बाद आएंगे और तब तक मैं इसे ठीक करा दूंगी। ठीक है, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यार मुझे वो बुक्स चाहिए, मुझे फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी चोरी की, किसी नए घर को लूटने की। दानवी, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है चोरी के जुर्म में। तिजोरी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान पाए गए हैं। हाँ मैं मानता हूँ मैंने तिजोरी तोड़ी है, पर ये सब मैंने मालकिन के कहने पे किया है। क्या कहा? मैंने कहा था तिजोरी तोड़ने के लिए। इंस्पेक्टर साहब बकवास कहानियां बना रहे हैं, गिरफ्तार करो इसे। चलो डैनवी। रुको इंस्पेक्टर, अगर ये मालकिन है तो फिर वो कौन थी? कोई नहीं, चलो अब मेरी जिंदगी इस जेल में
एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनकर रह गई है। वो महिला बड़ी सुंदर और चतुर थी। एक चोर ने दूसरे चोर का पागल बना दिया। अब मुझे गुस्सा आता है जब कोई चोर ईमानदारी की बातें करे। उसने मेरे साथ गलत किया। मैडम जी, आपकी कहने। बड़ा पागल बनाया इस हॉरिस डेम्बी को। अब सड़ेगा जेल।